टेक्निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टेक गुरुचर्य। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवी की जो खराब किट होती है उससे एम्पलीफायर कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में जो टीवी की किट है ये एलजी की खराब किट है, जो खराब हो चुकी थी उससे मैं आज एक एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, जरूर नहीं है कोई भी तरह की किट हो उसमें भी आप ऑडियो सेक्शन पहचान के आप एक बेहतरीन एम्पलीफायर बना सकते हो बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सब कुछ बताने वाला हूँ। और हाँ, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि फ्रेंड मैं ऐसी नॉलेजबल वीडियो और टैक्स रिलेटिव और एम्पलीफायर रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे पास किट है ये एलजी की किट है, तो इससे हम आज एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमको सबसे पहले ऑडियो सेक्शन पहचानना है। तो मैं बता दूँ, मेरे जो बोर्ड का ऑडियो सेक्शन है वो इतना इतना है, ये है, ये इतना इतना सेक्शन है, क्योंकि मैंने इससे पहचाना, आपको भी इसी तरह पहचाना है। क्योंकि देखो, मैं बता दूँ, जहाँ पर आपके स्पीकर के वायर देंगे वहाँ से आसपास का जो एरिया होगा वो आपका होगा एम्पलीफायर। तो यहाँ पर देखो, एक तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक ही सीट लगी होगी, उसके बगल में एक आईसी दे रखी, ऐसी नहीं, ऐसे तो काफ़ी सारे हीट से देखिए, लेकिन कुछ आपको यूनिक लगेगी। यहाँ पर स्पीकर वगैरह के पास में होगी जो स्पीकर वायर लगे, तो उससे आप पहचान सकते हो कि ये हमारा ऑडियो सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पर जो मेरी आईसी है ये एम्पलीफायर की आईसी, इसमें हम आज काम करने वाले, इससे एक एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। अब चल, इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको वायरिंग कैसे करनी है। देखो, इनपुट वन और इनपुट टू और बीच में ग्राउंड, ऐसे ही आउटपुट वन मतलब आउटपुट प्लस, आउटपुट माइनस और आउटपुट प्लस, आउटपुट माइनस, मतलब यहाँ पर इसके स्पीकर के वायर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको इसकी वायरिंग करके समझाता हूँ, फिर एक एक चीज़ करके दिखा दूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसकी जो वायरिंग थी वो कर दी है, आपको दिखा दूँ। ये देखो, इसकी जो आईसी की पिन थी, यहाँ पर लिखा था इनपुट, तो मैंने इनपुट जो वायर लगा दी वो इसमें लगा दिए, यहाँ से मैं ऑक्स लीड लगा के इसको चलाऊंगा। देखो, ग्राउंड मैंने यहाँ दिया और इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकंड यहाँ दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी जो यहाँ पर लिखा था आउटपुट वन, आउटपुट टू, और इसमें से मैंने आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस, आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस, मतलब स्पीकर है एक प्लस वायर लगेगा, एक वहाँ पर माइनस लगेगा। इस तरीके से इसकी जो यहाँ पर आईसी से पिन से जुड़ी हुई एक वायरिंग थी, मतलब वायरिंग यहाँ पर आई है, तो यहाँ पे मैंने स्पीकर के वायर जोड़ दिए। सिंपल आपको ऐसा ही करना है, और इधर भी एक स्पीकर लगा सकते हो, मतलब दो स्पीकर इसमें अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पर जो बात आती है कि इसमें हम प्लस पॉइंट और जो मतलब 12 वोल्ट देने वो कहाँ से देने हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इंसान को यही पर आती है कि बोर्ड में जो 12 वोल्ट देने वो कहाँ से देने। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर इस तरह की आईसी है, आपको इसकी जो पिन दे रखी है इसके सबसे नीचे वाली पिन पर चले जाओ, सबसे नीचे वाली, यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट लगा देना, और ये जो दे रखे हैं ये इसके बोर्ड में कहीं से भी, इसके कहीं पर भी लिखा हो GND, वो ग्राउंड होता है, वहाँ पर एक तार जोड़ दीजिए और आपकी जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें करेक्शन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसके जो वायर थे वो लगा दिए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो ब्लैक वायर है ये ब्लैक नहीं, मतलब ब्लैक तो है लेकिन ये प्लस पॉइंट है और ये मेरा माइनस पॉइंट है, ठीक है, आना है। और मैंने इसको जो ट्रांसफार्मर के थ्रू आपको दिखा दूँ, इस ट्रांसफार्मर के थ्रू मैं इसको लाइन दे रहा हूँ, मतलब 12 वोल्ट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर जो 5408 से मैंने इसको 12 वोल्ट सप्लाई बना रखी है, तो मैं इसको 12 वोल्ट से इसको लाइन दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको लाइन दे दी, आप देख लीजिए, आपको आवाज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जिस तरीके से हमारे एम्पलीफायर में आती है। अब मैं इसमें ऑक्स लीड लगाता हूँ, फिर मैं आपको सॉन्ग चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हमारा जो एम्पलीफायर वो किस तरीके से वर्क कर रहा था। फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे होने के साथ, मतलब इस बोर्ड को भी पूरा सर्किट जुड़ा होने के साथ, इस वजह से थोड़ा इसकी आवाज़ थोड़ा डाउन आ रही है, लेकिन जब हम इसको यहाँ से इतना इतना बाहर निकाल लेंगे, इसके इतने हिस्से को काट कर, तो अच्छी आवाज़ आएगी और तेज़ आवाज़ आएगी। फ्रेंड्स, ये जो आईसी है ये कम से कम 10 इंच का एक स्पीकर बड़े ही आराम से
चला देगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहले आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो इतनी शेक काट कर एक बेहतरीन एम्पलीफायर आपको बनाकर दिखाऊंगा।